पे भी ओके ठीक है। इसी के ऊपर ये वर्नियर स्केल होता है, ठीक है, अंदर में इसके मार्किंग होती है, यहाँ पे अंदर में ये पूरा वर्नियर स्केल है, इसके अंदर में मार्किंग होती है ऐसा। ये मैंने कल आपको बताया था, ये क्या है, वर्नियर स्केल है ये, और ये मूवेबल है, ये कैसे आपका मूवेबल है, मूव कर सकता है, ठीक है। इसके बीच में कोई सा भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, इसके बीच में कोई सा भी ऑब्जेक्ट रखते हैं जिसका डायमीटर मेजर करना हो, या इधर से ऊपर से इनर डायमीटर मेजर करते हैं, इधर से एक्सटर्नल डायमीटर जो होता है एक्सटीरियर में वो मेजर करते हैं, इधर से हम लोग इनर डायमीटर को मेजर कर सकते करते हैं ऊपर वाले से। अगर आपने स्कूल में प्रैक्टिकल किया होगा तो ये देखा होगा, ठीक है, इसको मूव करवाते हैं। फिर क्या होता है ना कि कंसाइड करवाते हैं, जब दोनों को जीरो जीरो पे ले आते हैं और कंसाइड करवाते हैं, तो आपको बताया था कि इन जनरल क्या होता है कि वर्नियर स्केल का जो डिवीजन होता है वो छोटा होता है, और मेन स्केल का जो डिवीजन होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, इन जनरल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वर्नियर स्केल का डिवीजन छोटा होता है, मेन स्केल का डिवीजन क्या होता है, बड़ा होता है, ओके। तो अगर वर्नियर स्केल का जो एनथ है वो मेन स्केल के एनथ से कंसाइड करेगा, ठीक है, मतलब दोनों को जीरो जीरो पे लाए और दोनों कंसाइड कर गया, तो ऊपर ये कंसाइड कर गया, मान लेते हैं ये वाला डिवीजन, ठीक है, आगे भी डिवीजन है, यहां से जैसे जीरो से स्टार्ट हुआ है, ये बहुत छोटे छोटे डिवीजन है, और ये ऊपर वर्नियर स्केल है, नीचे मेन स्केल है, ये भी जीरो से स्टार्ट हुआ, ये भी जीरो से स्टार्ट हुआ, और मानते हैं ये वाला कंसाइड करेगा, तो ये लेंथ यहां से लेके यहां तक और ये लेंथ यहां से लेके यहां तक बराबर है, ठीक है, ये लेंथ तो दोनों बराबर है, तो ऊपर वाले में मानते हैं एन डिवीजन है, ये कितने डिवीजन है, यहां से यहां तक एन डिवीजन है, एक दो तीन चार एन डिवीजन है, और नीचे वाले में मानते हैं एम डिवीजन है, तो एम डिवीजन है, नंबर ऑफ एम है, और एक का लेंथ 1 MSD, एक का लेंथ कितना 1 MSD, एक का लेंथ कितना 1 MSD, तो यहां से यहां तक का लेंथ अगर तुम, और इसका एक का लेंथ कितना 1 VSD, एक का लेंथ जोड़ोगे इसका तो कितना 1 VSD, वर्नियर स्केल डिवीजन, और एक का लेंथ इसका अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 MSD, यानी कि मेन स्केल डिवीजन, तो इसका टोटल लेंथ कितना एन इंटू वर्नियर स्केल डिवीजन और एम इंटू मेन स्केल डिवीजन 1 MSD, एन वी एस डी, जो लाइन वी एस डी का कंसाइड किया है, वी एस डी के यहाँ से गिन लेना 1, 2, 3, 4, 5, 6, एनएस लाइन कंसाइड किया इसके एमएस लाइन से, तो एन लाइन ऑफ एन डिवीजन ऑफ वी एस डी का एन डिवीजन जो है इसके एम डिवीजन के बराबर है, इसके एम डिवीजन, क्योंकि हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है सबसे पहले लीस्ट काउंट निकालना है, ठीक है, हमको क्या निकालना है, लीस्ट काउंट निकालना है, लीस्ट काउंट काउंट, ठीक है, हमको लिस्ट काउंट निकालना है दोनों स्केल मिला के, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि दो अगर दो रॉड हो, एक का दो रॉड हो, एक का मिनिमम मेजर करने का मिनिमम लेंथ हो 100 सेंटीमीटर, मतलब एक का लिस्ट काउंट 100 है, दूसरे का लिस्ट काउंट 80 है, तो दोनों को मिला के लिस्ट काउंट कितना होगा, तो 80 - 100 किया था आपने, सॉरी 100 - 80 किया था, कि अगर आपको मैंने बताया था ना, कल ही बताया था कि एक रॉड है, इसका लेंथ यहां से यहां तक 100 सेंटीमीटर है, कोई मार्किंग नहीं है, एक दूसरा रॉड है, इसका जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक 80 सेंटीमीटर, तो क्या बोलोगे, इस अकेले रॉड का सबसे छोटा क्या हम काउंट कर सकते हैं इस रॉड से, 100 सेंटीमीटर, तो इसका काउंट हो गया 100 सेंटीमीटर, और इससे अकेला कितना काउंट कर सकते हैं 80 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इन दोनों को मिला के लिस्ट काउंट कितना होगा, अगर आपको दोनों रॉड दे दिया जाए, बोला जाए कि अब लिस्ट काउंट निकालो, तो अब लीस्ट काउंट कितना होगा, तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 100 - 80 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये हो जाता था, ये मैंने आपको सिखाया था, ठीक है, कि लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, प्रैक्टिकली मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ठीक है, कि लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है। उसी तरह यहाँ पे दो चीजें, एक है आपका मेन स्केल का लीस्ट काउंट कितना है 1 MSD, मेन स्केल डिवीजन सबसे छोटा, मेन स्केल पे मार्किंग है तो सबसे छोटा डिवीजन जो होगा उतना मिनिमम मेजर कर सकते हैं, और दूसरा है आपका वर्नियर स्केल का सबसे छोटा डिवीजन क्या है, VSD है, तो 1 VSD, तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होगा, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे मेन स्केल मैंने क्या बोला, थोड़ा सा बड़ा होता है, वर्नियर स्केल थोड़ा सा छोटा होता है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करना है, बड़े में से छोटे को माइनस करना है, तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे, और इन जनरल जो होता है 1 MSD माइनस क्या हो जाएगा 1 VSD हो जाएगा,
लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस क्या हो जाएगा 1 BHQ। लीस्ट काउंट जो है 1 MSD माइनस क्या हो जाएगा 1 BHQ हो जाएगा, ठीक है, ये लीस्ट काउंट हो गया। और यहाँ पे क्या आया है, NVSD इज इक्वल टू MNSD, कौन सा लाइन कौन सा ऐड किया, तो 1 VSD इज इक्वल टू M/N MSD आ जाएगा। 1 VSD इज इक्वल टू M/N क्या आ जाएगा, MSD आ जाएगा। अब लीस्ट काउंट के लिए क्या होगा, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या है, वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट, वर्नियर स्केल या जो वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर स्केल नहीं, वर्नियर कैलिपर का, वर्नियर स्केल का तो लीस्ट काउंट 1 VSD, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना, 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 MSD माइनस 1 VSD, ठीक है, 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 MSD माइनस 1 VSD अगर करते हैं तो MSD तो दिया हुआ है, MSD तो दिया हुआ है, माइनस 1 VSD इज इक्वल टू क्या था, M/N MSD, तो कितना हो गया देखो, तो अगर इसको कर लोगे तो N minus M by N MSD। मेन स्केल का डिवीजन तो पता ही है, मेन स्केल का डिवीजन आपका बहुत छोटा छोटा रहेगा, दिया हुआ रहेगा, दिया रहेगा मेन स्केल का जो मीन। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। मेन स्केल का जो डिवीजन है वो आपका दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेन स्केल के डिवीजन की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से ऐसे निकला। इन जनरल क्या होता है, इन जनरल अगर आपने जो स्कूल में यूज किया होगा जो, और जो हम पर्पस के लिए जो हम खरीदते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल जो यूज करते हैं उसमें जो 1 MSD होता है, 1 MSD जो होता है वो 0.1 cm होता है जो हम लोग यूज करते हैं वर्नियर स्केल, ठीक है। इन जनरल जो हम लोग यूज किए हैं, जो लैब में प्रैक्टिकल में किए, उसमें क्या होता है कि n plus 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कंसाइड कर जाता है, वर्नियर स्केल कंसाइड विथ n डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक है, मेन स्केल, ठीक है, ऐसा होता है। जैसे कि एक एग्जांपल अगर लेंगे तो यहां पर रहेगा 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कंसाइड विथ नाइन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, जो हम लोग यूज करते हैं उसका मैं बता रहा हूँ, एक कम होता है, इन जनरल में बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहां से अगर तुम देखोगे तो क्या लिखोगे, यहां से अगर तुम इसको देखते हो, इसको अगर हम देखते हैं तो क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यानी कि n प्लस 1 डिवीजन ऑफ VSD, यानी कि n प्लस 1 इंटू 1 VSD, यानी कि VSD इज इक्वल टू n MSD। तो 1 VSD इज इक्वल टू n/N+1 MSD, ठीक है, ओके। यानी कि अगर इस एग्जांपल वाले को लेते हैं, इस एग्जांपल वाले को लेते हैं तो क्या लिखोगे, 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD और 1 VSD इज इक्वल टू 9/10 MSD, 9/10 MSD। और लिस्ट काउंट क्या आ जाएगा, जो हम लोग यूज करते हैं उसका लिस्ट काउंट क्या होता है, 1 MSD, जो भी बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर दो VSD, तो 1 MSD, तो ठीक है 1 MSD माइनस 1 VSD, तो 1 VSD की वैल्यू कितनी है, N/N+1 MSD। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/N MSD, 1/N MSD कैलकुलेट करने के बाद कितना आ जाएगा, 1/N MSD, जो भी लाइन उसका कौन सा किया है, 1/N MSD, ठीक है, मेन स्केल का जो भी लाइन कंसाइड किया है। ठीक है, और अगर n प्लस 1 नहीं रहेगा तो बहुत जगह आपको ऐसा भी लिखा रहेगा, अगर n प्लस 1 नहीं है तो बहुत जगह आपको ऐसा भी लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, सिर्फ n लिखा रहेगा और यहाँ पे n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, n लिखा रहेगा और n माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 10 है और 10 माइनस 1 कितना हो गया, ये 9 हो गया। यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, सिर्फ n लिखा रहेगा
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो n लिखा हुआ है ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस वन। तो बात लगभग लगभग बराबर ही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे n माइनस वन हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, सिर्फ आपका n हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे आपका n माइनस वन है, नीचे n है, लास्ट में कैलकुलेट करोगे तो इतना ही आएगा। यहाँ पे n माइनस वन है और नीचे n है, कैलकुलेट करोगे तो इतना ही आएगा। तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा आपका, n हो जाएगा नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ किसका, किसका n किसका है, बीएसडी का है ना, वर्नियर स्केल का है ना, तो ऐसा लिखा रहेगा। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे इस केस में लीस्ट काउंट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 MSD माइनस 9/10 MSD, ओके, यानी कि 1/10 MSD। तो हम लोग जो यूज करते हैं वर्नियर स्केल, हम लोग जो यूज करते हैं वर्नियर स्केल, हम लोग जो यूज करते हैं वर्नियर स्केल, उसका लीस्ट काउंट कितना हो गया है, 1/10 MSD। और आपको पता होगा कि हम लोग जो 1 MSD इज इक्वल टू होता है 0.1 सेंटीमीटर, वो स्केल पे लिखा हुआ था, देख के आप बता सकते हो कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा वर्नियर कैलिपर जो हम लोग यूज करते हैं उसका, 0.01 सेंटीमीटर। तो ये हमारा लीस्ट काउंट आ गया, ये हमारा क्या आ गया, लीस्ट काउंट आ गया ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, लीस्ट काउंट आ गया ठीक है, ओके। तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए मैंने आपको सिखाया। अब देखिए रीडिंग कैसे निकालते हैं, रीडिंग कैसे निकालते हैं ठीक है, रीडिंग कैसे निकालते हैं। तो हमने क्या किया, तो वर्नियर स्केल लिया, तो इस तरह का इसका जो है, मैं अब इन जनरल मैं मतलब बता रहा हूँ ठीक है, इस तरह का जो है वर्नियर स्केल का, और इस तरह का ये आपका क्या है, और यहाँ पे आपने कुछ चीज को फंसा रखा सर। हाँ बोलिए, जो ये लीस्ट काउंट 0.01 है, ये मेन स्केल का है या फिर वर्नियर स्केल का है? नहीं देखिए, ये वर्नियर कैलिपर का है, मेन स्केल का लीस्ट काउंट मैंने आपको बताया, देखो मेन स्केल अलग है, मेन स्केल का लीस्ट काउंट कितना है, 1 MSD। मेन स्केल का लीस्ट काउंट, सबसे छोटा चीज मेन स्केल से क्या मेजर कर सकते हैं, तो मेन स्केल का जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होगा वही मेजर कर सकते हैं। तो मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट है मेन स्केल का, वो कितना है, 1 MSD, और वर्नियर स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो कितना है, 1 VSD है, वो कितना है, 1 VSD है। और मेन स्केल और वर्नियर स्केल मिला के जो लीस्ट काउंट बना है, मतलब जो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है, ये पूरा का पूरा जो इंस्ट्रूमेंट है, ये पूरा का पूरा जो इंस्ट्रूमेंट है, ये वर्नियर कैलिपर वही पूरा इंस्ट्रूमेंट, उसमें ये व्हाइट वाला मेन स्केल है और येलो वाला वर्नियर स्केल है। तो ये जो लीस्ट काउंट निकला है ये वर्नियर कैलिपर का निकला है, इट इज नॉट ऑफ दैट ऑफ मेन स्केल और वर्नियर स्केल, इट इज ऑफ व्हाट, इट इज ऑफ वर्नियर कैलिपर, दो पूरे के पूरे इंस्ट्रूमेंट का वो लीस्ट काउंट है ठीक है, पूरे के पूरे इंस्ट्रूमेंट का वो लीस्ट काउंट है ओके। अब क्या हुआ कि यहाँ पे हमें जिस चीज का मेजर करना था हमने उसको क्या किया, यहाँ पे फंसा दिया ठीक है। अब रीडिंग देखेंगे, रीडिंग कैसे देखते हैं, तो मेन स्केल पे कुछ होगा यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 1, यहाँ पे 6 मान लेते हैं, नहीं 5, यहाँ पे 5 तक है, देखो ये 1 सेंटीमीटर हुआ, ये 0 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 5, और यहाँ पे 6 है मान लेते हैं, 6 है ठीक है, 6 है। तो हम लोग क्या देखेंगे, जब ये मेजर किया तो पहले मेन स्केल की रीडिंग देखो, मेन स्केल रीडिंग कितना है, तो मेन स्केल रीडिंग देख लो, मेन स्केल रीडिंग कौन सा देखना है इसके, अब इसका जीरो कहाँ से स्टार्ट होगा, इसका इसका तो जीरो वर्नियर स्केल का तो यहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके इधर तक चला जाएगा ठीक है। तो इस जीरो से पहले मेन स्केल की रीडिंग देखो कितनी है, तो 1 यहाँ तक आ गया, 5 और 5 से ज्यादा मतलब 6, 5 से ज्यादा 6, 6 से आगे ये जीरो है ठीक है। तो रीडिंग कैसे लिखेंगे, इसकी रीडिंग कैसे लिखेंगे, देखो रीडिंग कैसे लिखेंगे, रीडिंग मतलब सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग लिखो, क्या लिखो, मेन स्केल रीडिंग, एक सेकंड रुकिए, ठीक है। देखिए क्या बोला मैंने कि कितना था, यहाँ पे मैं फिर से एक बार बढ़ाता हूँ, ये देखो
ये मेन स्केल का हुआ आपका, और ये हो गया आपका वर्नियर स्केल, ठीक है, रफ रफ टाइप का मैं बना रहा हूँ। और यहाँ पे जो चीज मेजर करना है आपने उसका फंसा लिया था, और यहाँ पे मेन स्केल 0, 1 और ये 5 था, और 6 आ गया, और इसका 0 यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 0 ऐसे स्टार्ट हो रहा था, और ये फर्दर यहाँ से मतलब जो मेन स्केल था ये यहाँ से चल रहा था, ठीक है ठीक है। तो रीडिंग कैसे लिखेंगे, रीडिंग क्या होता है इसका, देखो रीडिंग क्या होता है, रीडिंग जो होता है वर्नियर, सबसे पहले लिखो मेन स्केल की रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस, मेन स्केल रीडिंग प्लस, ठीक है। प्लस करने के बाद देखो कि अब कौन सा डिवीजन कंसाइड कर रहा है, कौन सा डिवीजन कंसाइड करना है, तो मानते हैं ये 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मान लेते हैं ये वाला जो 6th वाला जो डिवीजन है ना, इसका जो 6th डिवीजन है, इसका जो मान लेते हैं 6th डिवीजन, 6th डिवीजन, ये यहाँ पे कंसाइड कर रहा है इसके साथ, ऊपर और नीचे जो इसका ऊपर वाले का जो 6th डिवीजन है इसके साथ कंसाइड कर रहा है, नीचे वाला किसी के भी साथ, क्योंकि नीचे वाला तो चलता चला आया तो नीचे वाले को तो काउंट कर नहीं सकते, ऊपर वाले को तो आसानी से, क्योंकि यहाँ पे 0 से स्टार्ट है ना, और नीचे वाले को यहाँ से काउंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, यहाँ पे 0 से स्टार्ट है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैंने कर लिया कि अच्छा चलो 6th डिवीजन। तो हम लोग 6th डिवीजन मतलब वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कंसाइड कर रहा है वो हम लोग को देख लेना, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कंसाइड कर रहा है वो देखना, यहाँ पे कौन सा डिवीजन कंसाइड कर रहा है तो 6th डिवीजन। तो हम लोग क्या लिखेंगे रीडिंग में, तो 6th डिवीजन कंसाइड कर रहा है, ठीक है, और एक तो 6th डिवीजन कंसाइड कर, तो इसका एक डिवीजन होगा तो नीचे भी कहीं एक डिवीजन, इसका 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 एक डिवीजन, कहीं ना कहीं होगा, तो 6th बार का लिस्ट काउंट आया, क्योंकि हर एक डिवीजन के कारण एक लिस्ट काउंट आएगा, क्योंकि लिस्ट काउंट जो स्केल का है वो 1 BHG - 1 MHG करते, तो हर एक डिवीजन के कारण आएगा, तो हर एक डिवीजन के कारण जब लिस्ट काउंट आएगा आपका, हर एक डिवीजन के कारण जो लिस्ट काउंट आएगा आपका, तो फिर कितना आ जाएगा रीडिंग, तो मेन स्केल की रीडिंग, मेन स्केल की रीडिंग 0 से पहले, मेन स्केल की रीडिंग मतलब 0 से पहले, ठीक है, प्लस प्लस मान लेते हैं कि nth डिवीजन, अगर nth डिवीजन कंसाइड करता, इसका nth डिवीजन कंसाइड करता, तो n इंटू लिस्ट काउंट, जो डिवीजन कंसाइड कर रहा है, डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कंसाइड इनटू लिस्ट काउंट। तो इस केस में, इस एग्जांपल में रीडिंग कितनी आती, इस एग्जांपल में रीडिंग कितनी आती, तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी, 1.6 सेंटीमीटर पहले से, क्योंकि पहले से 1 और 5 के बाद 5 6 के बाद है ये, तो 1.6 5 और 5 के बाद 1 6 है, 6 के बाद 0 स्टार्ट हुआ, तो 1+ नंबर ऑफ डिवीजन कौन सा यहां पे 6 है, और लिस्ट काउंट कितना निकाला मैंने 0.01, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1.6 प्लस 0.06, तो कितना हो गया 1.66 सेंटीमीटर। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी रीडिंग कितनी हो जाएगी 1.66 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको नोट करें। सर बात बताइए, सर जो मेन स्केल रीडिंग है 1.6, ये वर्नियर स्केल के 0 तक मतलब उससे पहले है, तो वो वाली रीडिंग है? हाँ वही रीडिंग है, वर्नियर स्केल का 0 जहां से स्टार्ट हुआ ना, उसके पहले मेन स्केल की क्या रीडिंग है, ठीक है, मेन स्केल रीडिंग यहाँ पे लिखा हुआ ना, मेन स्केल रीडिंग है, तो मेन स्केल रीडिंग मतलब क्या हुआ, रीडिंग रीडिंग ऑफ मेन स्केल जस्ट बिफोर 0 ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल के 0 के जस्ट पहले। और सर ये लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का लिया हमने, लिस्ट काउंट हाँ 0.0, हाँ तो इन दोनों के इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मेजर कर रहे हैं ना, एक अकेले का लिस्ट काउंट नहीं, लिस्ट काउंट जब भी होगा ना, तो देखिए सिंगल मेन स्केल से रहता तो उसका लिस्ट काउंट 1 MHG, सिंगल वर्नियर स्केल रहता तो उसका लिस्ट काउंट कितना 1 BHG, अब दोनों को मिला दिए तो लीस्ट काउंट कितना बड़ा माइनस छोटा, रॉड वाला बताया ना कि एक रॉड इतना ही लंबा है, कोई मार्किंग की हुई नहीं है, तो 100 सेंटीमीटर, एक और रॉड है 80 सेंटीमीटर, लेकिन इसका इससे सबसे मिनिमम कितना मेजर कर सकते हो 100 सेंटीमीटर, इससे कितना मेजर कर सकते हैं 80 सेंटीमीटर, लेकिन दोनों को अगर साथ में रख दिया जाए ऐसे करके, तो हम लोग ये वाला पार्ट तो मेजर सबसे लिस्ट क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा,
तो जो बड़ा होता है उसमें से छोटे को माइनस कर दो। लीस्ट काउंट हमेशा वर्नियर कैलिपर का लेते हैं, पूरे इंस्ट्रूमेंट का लेते हैं, किसी सिंगल मेन स्केल का और उसका नहीं रहता। तो लीस्ट काउंट जो हमने निकाला था, लीस्ट काउंट, अब ऐसा नहीं है कि लीस्ट काउंट फिक्स है आपका 0.0। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, याद कर लेते हैं कि लीस्ट काउंट फिक्स है 0.01। नहीं, लीस्ट काउंट हमने निकाला कैसे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में जो ट्रेडिशनल टाइप के क्वेश्चन थे वो बहुत पहले आते थे कि हाँ एक वर्नियर स्केल है, ये दिया हुआ है, ऐसे रीडिंग निकालो, ठीक है? अब वैसे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं, इससे एक आध क्वेश्चन पूछ लिए तो पूछ लिए, पिछले 2-3 साल में एक ही दो क्वेश्चन आया है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आता भी नहीं है इससे, ठीक है? तो लेकिन ये पता होना चाहिए कि हम लोग रीडिंग कैसे निकालते हैं, मेन स्केल की लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, रीडिंग क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और क्वेश्चन पूछा था जीरो एरर से, क्वेश्चन क्या पूछा था, जीरो एरर से, ठीक है? आप इसको नोट कीजिए, मैं आपको जीरो एरर बताता हूँ क्या होता है, क्वेश्चन उसी पे पूछा था जीरो एरर से। देखिए चलिए दिखाता हूँ, अब एरर क्या किस तरह से आ सकता है, तो हम लोग उसके लिए टॉपिक क्या पढ़ते हैं, जीरो एरर। जीरो एरर, जीरो एरर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, जीरो एरर क्या होता है, हमारे पास क्या है, वर्नियर स्केल है, वर्नियर मतलब ये मेन स्केल हो गया, और मेन स्केल के साथ क्या हो गया, ये वर्नियर स्केल, दोनों को एकदम हटा दो ऐसे। दोनों को एकदम इधर इसको क्लोज कर दिए पूरा इस तरह से। अब ऊपर इसकी कुछ जीरो, ये वर्नियर स्केल का ऊपर है, यहाँ पे वर्नियर स्केल का डिवीजन लिखा हुआ है, और इसके नीचे मेन स्केल का डिवीजन। अगर दोनों का जीरो, क्योंकि दोनों को चिपकाने के बाद अगर दोनों का जीरो कंसाइड कर रहा है, दोनों का जीरो कंसाइड कर रहा है, एक जीरो ऑफ वर्नियर स्केल एंड मेन स्केल इज कंसाइडिंग, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल एंड मेन स्केल का जो जीरो है वो क्या कर रहा है, कंसाइड कर रहा है। तो जब दोनों का जीरो कंसाइड कर जाएगा ना, तो कोई जीरो एरर नहीं रहेगा, नो जीरो एरर, नो जीरो मतलब जीरो एरर कितना हो जाएगा, जीरो एरर जो है नील हो जाएगा, कोई जीरो एरर नहीं रहेगा, और करेक्शन जीरो एरर करेक्शन, कोई करेक्शन क्योंकि एरर है ही नहीं, तो आपको रीडिंग में करेक्शन करने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एरर हो तो कुछ ना कुछ तो करेक्शन करना पड़ेगा ना, तो कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं होती है, कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं, अगर दोनों का जीरो कंसाइड कर गया तो, अगर जीरो का दोनों का जीरो कंसाइड कर गया तो कोई जीरो एरर नहीं होता, पहला केस, जब दोनों का जीरो कंसाइड कर गया तो कोई जीरो एरर नहीं होता है, फर्स्ट केस ये हो गया, ठीक है? दूसरा केस देखिए, ऊपर 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 मैं ले ले रहा हूँ वर्नियर स्केल, ये आपका वर्नियर स्केल है, और नीचे मैं ले लेता हूँ क्या, मेन स्केल, ये आपका मेन स्केल, ठीक है? दोनों को आपने चिपकाया है, दोनों को आपने इस तरह से चिपकाया है, ठीक है? मान लेते हैं कि जब चिपकाने के बाद क्या हुआ ना, चिपकाने के बाद क्या हुआ ना कि वर्नियर स्केल का जीरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है चिपकाने के बाद भी, और मेन स्केल का जो है ना, मेन स्केल का जीरो थोड़ा सा पहले है यहाँ पे, चिपका दिया ना, तो ऐसा मतलब कुछ एरर है इंस्ट्रूमेंट में, कुछ इंस्ट्रूमेंट में एरर है कि दोनों का जीरो कंसाइड नहीं हो रहा है, ये थोड़ा सा इधर चला जा रहा है चिपकाने के बाद, ये थोड़ा सा इधर चला जा रहा है नीचे वाला, थोड़ा सा मेन स्केल का ये इधर चला जा रहा है, मतलब जो वर्नियर स्केल है वो इससे, वर्नियर स्केल का जो जीरो है इससे थोड़ा सा इधर है राइट की तरफ है, वर्नियर स्केल का जो जीरो है इससे किधर है, राइट की तरफ है, राइट की तरफ है, ठीक है, राइट की तरफ है। तो इस केस में जीरो एरर पॉजिटिव होता है, अगर वर्नियर स्केल का जो जीरो है, वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो राइट मेन स्केल के जीरो के राइट हो, तब जीरो एरर को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव, और करेक्शन के लिए इस एरर को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है? यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ वर्नियर स्केल जीरो इज राइट टू मेन स्केल जीरो, मेन स्केल जीरो, देन जीरो एरर जो हो जाएगा, जीरो एरर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, जीरो एरर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और इसके लिए जो करेक्शन करना होगा हम लोग को, करेक्शन करना होगा, करेक्शन
करेक्शन करना होगा, करेक्शन निगेटिव होगा। करेक्शन निगेटिव होगा का मतलब क्या है, करेक्शन निगेटिव होगा का मतलब क्या है कि जितनी आपकी रीडिंग आई है ना, जितनी आपकी रीडिंग आई है, रीडिंग में से जो आपने पीछे कैलकुलेट करके पूरा ये रीडिंग निकाला, ये जो रीडिंग निकाला है, रीडिंग में से जीरो एरर को माइनस करो। जीरो एरर पॉजिटिव है, एरर तो पॉजिटिव है ठीक है, लेकिन करेक्शन के लिए उसको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि जीरो एरर को माइनस करना पड़ेगा, जीरो एरर को माइनस करना पड़ेगा। तो रीडिंग को हम निकालने के लिए आपको सिखा दिए हैं, जीरो एरर कैसे निकालते हैं, जीरो एरर कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा जीरो एरर निकालने का तरीका, जीरो एरर निकालने का तरीका ध्यान से देखिए, दोनों के लिए यूज होगा। अगर पहले तो जीरो राइट की तरफ है, हो सकता है कि इसका जीरो लेफ्ट की तरफ होगा वर्नियर स्केल का, उसके इसमें भी तो हो सकता है जीरो एरर ठीक है, उसके इसमें नेगेटिव जीरो एरर होता है। निकालने का तरीका देखिए, जीरो एरर कितना होता है, तो जीरो एरर इज इक्वल टू, जीरो एरर इज इक्वल टू, अब देखो जिस तरह से हमने ये किया था ना कि इसके सबसे राइट में कौन सा था, यहाँ पे किया था ना, सॉरी इसके इसके जीरो के सबसे लेफ्ट में क्या था, तो 1.6 था मेन स्केल पे, कितना था 1.6 था मेन स्केल पे। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे कि इसके जीरो के जस्ट पहले क्या है, इसके पहले जस्ट पहले क्या है, जस्ट पहले तो जीरो है, तो मेन स्केल पे जीरो है, तो जीरो प्लस मेन स्केल पे क्या है तुम्हारा, जीरो है, तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस ठीक है, जीरो प्लस। अब कौन सा डिवीजन कंसाइड कर रहा है, कौन सा डिवीजन वर्नियर स्केल का कंसाइड कर रहा है, तो मान लेते हैं कि इसका nth या mth डिवीजन कंसाइड कर रहा है, क्या mth डिवीजन कंसाइड कर रहा है, तो m इनटू लीस्ट काउंट, m इनटू, अब लीस्ट काउंट किसका लेंगे, तो पूरे वर्नियर कैलिपर का, जब भी लीस्ट काउंट लेना है तो पूरे वर्नियर कैलिपर का। तो इस तरह से यहाँ पे क्या कैलकुलेट हो जाएगा, जीरो एरर कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे इसी वाले क्वेश्चन में अगर तुम देखोगे तो अगर परफेक्ट है, अगर परफेक्ट है तो रीडिंग कितनी है, इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से अगर परफेक्ट है इंस्ट्रूमेंट तो रीडिंग कितनी आएगी, अगर परफेक्ट है तो रीडिंग कितनी आएगी 1.66 सेंटीमीटर, रीडिंग कितनी आएगी 1.66 सेंटीमीटर अगर परफेक्ट है, अगर परफेक्ट है तो रीडिंग कितनी आएगी 1. अगर मान लो कि राइट साइड अगर चला जाता है जीरो, मतलब जीरो एरर अगर पॉजिटिव है तब कितना आएगा, मान लेते हैं कि इसका थर्ड डिवीजन कंसाइड कर रहा है, कौन सा डिवीजन कंसाइड कर रहा है वर्नियर स्केल का, जीरो पे लाने के बाद थर्ड डिवीजन कंसाइड कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो तो यहाँ पे क्या लिखोगे, जीरो प्लस थ्री इंटू लिस्ट काउंट 0.01, मतलब कितना आ जाएगा 0.03 सेंटीमीटर। ये जीरो एरर आ गया, ये जीरो एरर आ गया, तो करेक्शन के बाद रीडिंग क्या होगी, करेक्शन के बाद रीडिंग क्या होगी, करेक्शन के बाद रीडिंग क्या होगी, तो जो आपकी एक्चुअल रीडिंग है बिना जीरो एरर के जो रीडिंग है 1.66 रीडिंग है। अब जीरो एरर राइट है ना इसका जीरो, तो ये पॉजिटिव है, तो इसमें से माइनस 0.03 कर देंगे ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1.63 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा ये 1.63 सेंटीमीटर ठीक है। तो ये था अगर वर्नियर स्केल का जीरो, अगर आपका इंस्ट्रूमेंट खराब है और वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के इधर आ रहा है, तब इस तरह से हम लोग रीडिंग लिखेंगे ठीक है। अगर अगर इसी में जो आपका वर्नियर स्केल का जीरो है वो आपके मेन स्केल के जीरो से पहले आ रहा है, मतलब इस साइड आ रहा है, लेफ्ट के साइड आ रहा है ठीक है, तो लेफ्ट के साइड आ रहा है, तब जो जीरो एरर होगा, जीरो एरर होगा ये निगेटिव होगा, और करेक्शन के लिए रीडिंग में जो आपकी रीडिंग आई है बिना एरर के जो रीडिंग आई है उसमें आपको जीरो एरर को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, जीरो एरर को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो इसमें भी जीरो एरर कैसे निकालते हैं, इसमें भी जीरो एरर कैसे निकालेंगे, तो जीरो एरर निकालने के लिए क्या करेंगे, कौन सा डिवीजन इसका कंसाइड कर रहा है, कौन सा डिवीजन इसका कंसाइड कर रहा है ठीक है। तो मान लेते हैं कि सिक्स डिवीजन जीरो प्लस ms into least count, तो जीरो प्लस ठीक है m कितना, मान लेते हैं सिक्स डिवीजन कंसाइड कर रहा है into 0.01 is equal to कितना हो गया 0.06 ठीक है। तो आपका करेक्शन के बाद रीडिंग कितना हो जाएगा, करेक्शन के बाद रीडिंग कितना हो जाएगा, तो 1.66 का एक्चुअल रीडिंग। अब इसमें क्या हो जाना है आपका, जीरो एरर नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, प्लस करना है एरर को, तो प्लस एरर कितना है, एरर कितना है 0.06 ठीक है। तो मतलब क्या हो गया ये 1.72 के आसपास की रीडिंग आ जाएगी ठीक है। एक दो क्वेश्चन हम लोग करते हैं अभी जीरो एरर पे, तब आपको और अच्छे से पता चलेगा ठीक है। नोट कर लें इसको पहले, ये तीनों नोट कर लें, इसको तो नोट कर ही लिए होंगे, इसको नोट करो।
हो गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, बनाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान सुनिए। क्वेश्चन सबसे पहला दिया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कंसाइट विथ 9 मेन स्केल डिवीजन। सबसे पहले क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कंसाइट विथ 9 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है, व्हेन जॉज ऑफ बोथ वर्नियर स्केल एंड मेन स्केल टच्ड, मतलब दोनों को जब टच लिया है 0 0 मिलाने के लिए, टच्ड फॉर जीरो एरर, जीरो एरर के लिए जब टच कराया गया, जीरो एरर के लिए जब टच कराया गया, तब देखा क्या गया कि वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो राइट टू द जीरो ऑफ मेन स्केल है। पहले देखा, व्हेन जॉज ऑफ बोथ वर्नियर स्केल एंड टच फॉर जीरो एरर, तब क्या मिला कि तब मिला आपका कि जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज स्लाइटली राइट टू द जीरो ऑफ मेन स्केल एंड एंड एंड। अब जीरो राइट है तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि जीरो एरर पॉजिटिव है या जीरो एरर क्या है नेगेटिव है, ये तो पता चल जाएगा। एंड फिफ्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कंसाइडिंग डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये तो दो ऑब्जर्वेशन आपको मिल गया, तो यहां से आप लीस्ट काउंट, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, इस ऑब्जर्वेशन से ये जो दिया हुआ है पहला इंस्ट्रूमेंट, जो एक्सपेरिमेंट का जो पहला चीज दिया हुआ है, इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, लीस्ट काउंट। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इससे हम लोग ये बता सकते हैं कि जीरो एरर कितना होगा, जीरो एरर है कि नहीं है, जीरो एरर कितना होगा, जीरो एरर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो करेक्शन में एरर ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, ओके। अब क्या हुआ, अब आपको रीडिंग निकालनी है, तो अब क्या किया गया, अब अ सिलेंडर इज प्लेस्ड बिटवीन जॉज ऑफ मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल। अब ऑब्जर्व क्या किया गया, जब एक सिलेंडर को दोनों के जॉ के बीच में रखा गया, तब ऑब्जर्व किया गया कि जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज स्लाइटली लेफ्ट टू 3.2 सेंटीमीटर, स्लाइटली लेफ्ट टू 3.2 सेंटीमीटर, एंड फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कंसाइडिंग टू डिवीजन ऑफ मेन स्केल, कोई भी सभी डिवीजन पे कंसाइड कर रहा होगा विद मेन स्केल डिवीजन, कंसाइडिंग टू अ डिवीजन ऑफ मेन स्केल, कंसाइडिंग अ डिवीजन ऑफ मेन। ठीक है, तो आपको फाइनल रीडिंग बतानी है कि फाइनल रीडिंग क्या होगा। ठीक है, फाइनल करेक्शन रिडक्शन के बाद अगर करेक्शन होता है तो फाइनल रीडिंग कितनी होगी, ये आपको बताना है, बताइए। तो कितना मेजर्ड लेंथ आएगा,
क्या? बनेगा आप लोगों से? देख कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे लिस्ट काउंट। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसका लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू होता है 1 MSB - 1 BSB, 1 MSB - 1 BSB। ठीक है, लिस्ट काउंट मतलब वह 1 MSB - 1 BSB। तो 1 MS 1 B, अब क्या दिया हुआ है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कंसाइडिंग विथ 9 मेन स्केल डिवीजन, यानी कि दोनों बराबर होगा। तो 1 VSD इज इक्वल टू 9/10 MSD। अब यहाँ पे करोगे 1 MSD - 1 VSD, तो 1 VSD तो क्या लिखेंगे बताओ? तो 1 MSD - 9/10 MSD। तो 1 MSD - 9/10 MSD का मतलब 1/10 MSD। 1/10 MSD का मतलब क्या हो गया? 0 1/10, और 1 MSD कितना होता है? 1 सेंटीमीटर होता है। 1 मेन स्केल डिवीजन सबसे छोटा कितना है? 1 सेंटीमीटर है। मेन स्केल में सबसे छोटा डिवीजन कितना है? 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 0.01 सेंटीमीटर, जो मैंने पहले ही निकलवाया था। तो लीस्ट काउंट कितना आ गया? 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लीस्ट काउंट आ गया आपका। ओके, लीस्ट काउंट आ गया। अब हम लोग देखेंगे जीरो एरर। तो जीरो एरर के बारे में क्या क्या दिया हुआ है ये हम लोग बात करते हैं। ठीक है, जीरो एरर के बारे में बोला कि जीरो ऑफ वर्नियर स्केल राइट स्लाइटली राइट, मतलब वर्नियर स्केल का जीरो स्लाइटली इधर है, तो जीरो एरर क्या होगा तुम्हारा? पॉजिटिव होगा। जीरो एरर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो करेक्शन के लिए, करेक्शन के लिए जिसको जीरो करेक्शन भी बोलते हैं, जीरो करेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, जो भी आपकी रीडिंग आएगी उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो जीरो एरर होगा कितना? जीरो एरर कितना हो जाएगा देखो, तो जीरो एरर को स्मॉल से रूट करते हैं। जीरो एरर कितना हो जाएगा देखिए, तो जीरो एरर हो जाएगा आपका 0+ कौन सा डिवीजन कंसाइड कर रहा दिया हुआ है? 5th डिवीजन कंसाइड कर रहा, जब जीरो एरर के लिए चेक किए तो 5 × लीस्ट काउंट। ठीक है, यानी कि 0+5 × 0.01, यानी कि 0.05, यानी कि जो भी रीडिंग आएगी उसमें से 0.05 सेंटीमीटर आपको माइनस करना पड़ेगा। अब रीडिंग देखते हैं कि रीडिंग कितनी आई है, रीडिंग कितनी आई। रीडिंग में क्या बोला बोला जाता है कि जो मेन स्केल की रीडिंग होगी, मेन स्केल की रीडिंग प्लस नंबर ऑफ डिविजन से कंसाइड करेगा इनटू लीस्ट काउंट।
मेन स्केल की रीडिंग प्लस नंबर ऑफ डिवीजन जो वर्नियर स्केल का कंसाइड करेगा उसका लीस्ट काउंट, तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी है? देखो क्या बोला गया, सिलेंडर को रख दिया गया तो जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो 3.2 के स्लाइटली लेफ्ट है, मतलब इस मेन स्केल पे अगर ये 3 है और ये 2 है तो वर्नियर स्केल जो है, वर्नियर स्केल का जो जीरो है ये 3.2 के स्लाइटली इधर है, मतलब यहाँ पे है, मतलब मेन स्केल पे कितना रीड कर रहा है 3.1 ही, क्योंकि 3.1 के बाद तो जीरो आ गया ना, और बाद में 3.2 आया ना, तो यानी कि 3.1 रीडिंग है, और क्या है कि फोर्थ डिवीजन कंसाइड किया है, फोर्थ डिवीजन कंसाइड किया है, तो रीडिंग कितनी हो जाएगी? देखो तो यहाँ पे कितनी 3.1 प्लस 4 इंटू लीस्ट काउंट कितना है 0.01, तो कितना हो जाएगा 3.1 प्लस 0.04 यानी कि हो जाएगा 3.14, कितना हो जाएगा 3.14, ये रीडिंग आई है। फाइनल रीडिंग क्या आएगा, फाइनल रीडिंग क्या आएगा, फाइनल रीडिंग तो एरर को हटाने के बाद, तो फाइनल रीडिंग इज इक्वल टू जो आपकी रीडिंग थी उसमें से जीरो करेक्शन करना है, तो जीरो करेक्शन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 0.05। देखो जीरो एरर सर स्क्रीन तो, तो यहाँ पे देखिए तो मैंने क्या बोला, फाइनल रीडिंग मैंने इसका 3.2 के थोड़ा सा उधर है, यानी कि 3.1 और 3.2 के बीच में जीरो होगा वर्नियर स्केल का, तो 3.1 प्लस नंबर कौन सा, फोर्थ कौन साइड कर रहा है यहाँ पे लगे माइनस जीरो पर, तो ये कितना जाएगा 3.09 सेंटीमीटर, यानी कि फाइनल रीडिंग आपकी कितनी आएगी 3.09 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए, सबको नोट कर लो, ये तो क्वेश्चन ही था, यहाँ से नोट करना स्टार्ट कीजिए। सर ये 0.01 सेंटीमीटर कैसा है, लीस्ट काउंट 1/10 सेंटीमीटर के बाद? 1/10 एमएसडी क्या है, 1/10 एमएसडी है, एमएसडी मतलब मेन स्केल डिवीजन, और मेन स्केल का जो मेन स्केल डिवीजन मतलब मेन स्केल का सबसे छोटा डिवीजन 1 सेंटीमीटर ही है ना, जो नीचे मेन स्केल होता है 0 1 ऐसे, तो नहीं 0.1 सेंटीमीटर ना, 0.1 सेंटीमीटर है मेन स्केल का, 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर बाय 10 करेंगे तो 1/10, क्योंकि मेन स्केल की रीडिंग कैसी थी, मेन स्केल मतलब सिंपल वाला जो आपका स्केल होता है, कैसा होता है सिंपल वाला स्केल जो आप अभी रखे हुए भी होंगे, ये 1 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर होता है और ये 10 बार में डिवाइडेड है, तो सबसे छोटा कितना 1/10 यानी कि 0. ये सबसे छोटा वाला कितना हो जाएगा, इसका जो लीस्ट काउंट है कितना 0.1 सेंटीमीटर ना, 0.01 सेंटीमीटर, हाँ सॉरी 0.1 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। इसका कितना हो जाएगा, इसका ये सबसे छोटा कितना हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो उसका नंबर ऑफ डिवीजन वहां पर देखो 10 से डिवाइड कर दिए तो कितना 0.01, लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर, दोनों को मिला के वर्नियर स्केल और इसको मिला के। सर ये सॉल्यूशन एक बार दोबारा बता दीजिए। क्या है लिखना होता हूँ, देख क्या यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 10 VSD जो है वो 9 MSD के साथ, इसके हेल्प से हम लोग लिस्ट काउंट निकालेंगे, ठीक है। लिस्ट काउंट निकालने का लिस्ट काउंट क्या होता है कि जो सबसे छोटा चीज हम मेजर कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर से, तो लीस्ट काउंट वही होता है, तो सबसे छोटा चीज मेजर कर सकते हैं क्या, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। अब आपको दिया हुआ है कि 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD, तो 1 MSD इज इक्वल टू क्या हो गया 9/10 VSD, तो 1 MSD की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए 9/10 VSD, तो 1 MSD माइनस 9/10 MSD, तो ये कितना जाएगा 1/10 MSD। MSD क्या है, मेन स्केल डिवीजन है, तो मेन स्केल का सबसे छोटा डिवीजन क्या है,
तो मेन स्केल का सबसे छोटा लीजिए 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि मेन स्केल 0 है 1 सेंटीमीटर है, लेकिन ये डिवीजन तो दिया हुआ है ना, तो सबसे छोटा जो मेजर कर सकते हो वो 0.1 सेंटीमीटर है। तो मेन स्केल की रीडिंग मैंने 0.1 सेंटीमीटर, लीस्ट काउंट कितना निकल गया 0.01 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद जीरो एरर के कैलकुलेशन के लिए दिया हुआ है कि जीरो एरर कैसे निकालते हैं। तो दिया हुआ है कि वर्नियर स्केल का जो जीरो है स्लाइटली राइट है, तो वर्नियर स्केल का जीरो अगर राइट है तो जीरो एरर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और फिफ्थ डिवीजन कंसाइड कर रहा है, फिफ्थ डिवीजन कंसाइड कर रहा है, तो राइट है तो जीरो एरर पॉजिटिव, और जब जीरो एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन के लिए क्या करेंगे, माइनस फिफ्थ डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट हम निकाल रहे हैं तो जीरो एरर इतना आया, मतलब तो आपकी जो भी रीडिंग आएगी उसमें से इस चीज को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब फाइनली हम रीडिंग के बारे में बात करते हैं, रीडिंग के बारे में, तो रीडिंग के बारे में आपको क्या दिया हुआ है कि जो जीरो ऑफ वर्नियर स्केल है, तो जब मूव करोगे तो वर्नियर स्केल के जीरो की तो हम लोग चेक करते हैं ना, वो 3.2 के स्लाइटली लेफ्ट है, 3.2 के स्लाइटली लेफ्ट है, मतलब 3.1 और 3.2 के बीच में है, तभी तो स्लाइटली लेफ्ट। तो 3.1 रीडिंग तो 3.1 और 3.2 के बीच में है इसका जीरो, तो 3.1 से ज्यादा होगी रीडिंग और 3.2 से कम होगी रीडिंग, तो 3.1 से अगर रीडिंग ज्यादा है तो मेन रीडिंग कितना हो गया आपका यहाँ पे 3.1, कितना हो गया मेन रीडिंग 3.1, और दिया हुआ है कि फोर्थ डिवीजन कंसाइड कर रहा है जब हम रीडिंग देख रहे हैं, तो फोर्थ इंटू लिस्ट काउंट कितना हो गया 3.14। तो रीडिंग कितनी आई है, रीडिंग आई है आपकी 3.14, यानी कि ये जो रीडिंग है वो 3.1, ये जो रीडिंग है आपकी वो 3.1 और 3.2 के बीच में है, तभी तो बोला गया कि इसका जो जीरो इन दोनों के बीच में है, तो रीडिंग तो सही आई है 3.1, ठीक है। तो रीडिंग जो थ्री, लेकिन इसमें एरर है, जीरो करेक्शन है, तो करेक्शन के लिए 0.05 माइनस किए तो कितना आ गया 3, तो एक्चुअल रीडिंग आपकी ये है, एक्चुअल रीडिंग आपकी। सर ये एन इंटू लीस्ट काउंट जो है ये भी जीरो एरर है। नहीं, एन इंटू लीस्ट काउंट कैसे जीरो एरर होगा यार, जीरो एरर तो हम लोग बाद में ये करते हैं ना, जीरो एरर थोड़ी है, ये तो रीडिंग है ना इंटू लीस्ट काउंट। ये देखिए मेन स्केल कितनी बार बताया कि ये मेन स्केल रीडिंग है, एन जो है वो जब आप रीडिंग ले रहे हो, जब आप रीडिंग ले रहे हो तो एनएस पार्ट कंसाइड किया है, तुम रीडिंग लोगे ना यार, अब मैंने फिगर से बहुत अच्छे से आपको समझाया था, आपको समझ, छोड़ दो फिर, उतना इम्पोर्टेंट वैसे है नहीं, इसको छोड़ रहे ना लगता अभी। देखो ये जब रीडिंग ले रहे हो, जब तुम यहाँ पे रीडिंग ले रहे हो तो किसी चीज को यहाँ पे अंदर डाले उसी की रीडिंग यहाँ पे मेजर करोगे ना, डायमीटर या कुछ भी हो, तो मान लेते हैं यहाँ पे ये इसका 3.1 है इसका, ठीक है, और 3.2 अंदर है, लेकिन इसका जो पार्ट कंसाइड करेगा इसके पास से वो है ना, कि आपको देखना पड़ेगा ना कि कितना आपका जो और रीडिंग बढ़ेगी, कितना कौन सा पार्ट कंसाइड कर रहा है। कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया क्या इसको, वर्नियर कैलिपर देखे नहीं हो क्या फिजिकली, चलिए मूव करते हैं, क्या क्वेश्चन आता है इससे, उतना वो है नहीं, ऐसे बनता ही है, मतलब वर्नियर कैलिपर जब है, स्क्रू गेज पढ़ना था अभी, हम स्क्रू गेज नहीं पढ़ते, हम लोग देखते हैं अभी सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, ठीक है, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर पे जो एक आध क्वेश्चन रहता है जो कैलकुलेशन में आपके काम में आता है, कैलकुलेट करके हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर, पहले देखिए रूल समझ लेते हैं क्या क्या रूल्स है सिग्निफिकेंट फिगर का, तो सबसे पहला रूल है, ठीक है, क्या ऑल नॉन जीरो डिजिट डिजिट आर सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट सारे नॉन जीरो डिजिट क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है, सारे नॉन जीरो डिजिट क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। एग्जाम्पल अगर लेते हैं, एग्जाम्पल अगर लेते हैं 1 2 3 4 लिए, तो बोला जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4, क्योंकि यहाँ पे कितने डिजिट है, 4 डिजिट है, तो सिग्निफिकेंट फिगर, तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। दूसरा रूल, ऑल जीरो बिटवीन टू, बिटवीन बिटवीन टू नॉन जीरो, टू नॉन जीरो डिजिट डिजिट आर सिग्निफिकेंट, आर
ठीक है, नो मैटर डेसिमल इज देयर और नॉट, कोई मैटर नहीं करता है कि डेसिमल वहां पे है कि नहीं। कभी अगर देखो पहले तो नॉन जीरो जो होगा वो पूरा का पूरा सिग्निफिकेंट होगा, जो भी नॉन जीरो डिजिट होंगे वो पूरा का पूरा क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। और अगर जीरो है वो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आता है, चाहे डेसिमल हो या कहीं भी हो, ठीक है ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इसका एग्जाम्पल भी आपको लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1203, ये क्या हो जाएगा आपका सिग्निफिकेंट कितना, चार, क्योंकि ये वाला जो जीरो है ना ये दो और तीन के बीच में आ रहा है, दो और तीन के बीच में आ रहा है, ये जीरो कैसा हो जाएगा सिग्निफिकेंट। एक और एग्जाम्पल मैं इसका ले जाता हूँ 1204, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 5। देखो ये दो जीरो है ये दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 5। तो अगर जीरो है चाहे डेसिमल रहे या नहीं है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, माने तो 1.2014 है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, डेसिमल है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें सिर्फ देखना है कि क्या ये जो जीरो है दो नॉन जीरो के बीच में है क्या, हाँ दो नॉन जीरो के बीच में है तो ये क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो कितने सिग्निफिकेंट हो गए, एक दो तीन चार पांच, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, पांच सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ठीक है तो दो रूल याद रखिएगा, इसको पहले नोट कीजिए फिर अगला मैं बताता हूँ। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ठीक है अब हम लोग बात करते हैं इसी में, सिग्निफिकेंट फिगर में ही बात करते हैं कि इफ अ नंबर इज लेस देन जीरो, क्योंकि अब डेसिमल वाला बात हो रहा है, कोई नंबर अगर लेस देन जीरो, ठीक है इफ अ नंबर इज लेस देन जीरो देन जीरो बिफोर बिफोर जीरो बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इज नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं। ठीक है जैसे कि अगर कोई नंबर जैसे कि 0.0034 है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर अगर देखोगे तो मैंने क्या बोला, नंबर लेस देन जीरो, तो ये नंबर लेस देन जीरो है। ठीक है तो क्या बोला गया कि जीरो 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 बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो, फर्स्ट नॉन जीरो के पहले जो भी जीरो आते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, ये सिग्निफिकेंट है सिग्निफिकेंट, ये दोनों नॉन जीरो है तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे यहाँ पे, दो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे यहाँ पे, दो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। नेक्स्ट जीरो सर स्क्रीन जीरो ट्रेलिंग टू लास्ट नॉन जीरो, लास्ट नॉन जीरो सर स्क्रीन बहुत ब्लर हो रही है, क्या 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 हो रहा है सर स्क्रीन ब्लर हो रही है बहुत।
कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? सर स्क्रीन बहुत ज़्यादा ब्लर है। हेलो, कुछ प्रॉब्लम है क्या? सर स्क्रीन ब्लर हो रही है। स्क्रीन सर ब्लर हो रही है स्क्रीन बहुत ज़्यादा। हेलो हेलो, एक सेकेंड। मैसेज आप एक बार कमेंट कर सकते हो। स्क्रीन ब्लर हो रहा है क्या? ओके okay. अभी तो ये कैसे है? अभी भी नहीं है सही? अभी आ रही है? अभी वीडियो क्लियर है क्या? सर मैं इधर से तो कोई दिक्कत ऐसे है नहीं। क्लियर है क्या वीडियो? एक बार आप जिनको प्रॉब्लम है एक बार वापस से रिज्वाइन कीजिए तो शायद सही हो जाए। नहीं हो रहा है। ओके फिर मैं एक बार बता देता हूँ, आप शायद रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा फिर। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है।
अब ठीक है सर। अब ठीक है सर, ठीक है। यस अगर हाँ, अगर जो नंबर है 0 से छोटा नंबर है, 0 से छोटा नंबर है डेसिमल में, तो डेसिमल में जो फर्स्ट नॉन जीरो के जो पहले वाले 0 है, ये क्या होंगे, सिग्निफिकेंट नहीं होते, ये सिग्निफिकेंट नहीं होते, ठीक है, सिग्निफिकेंट नहीं होते। यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट दिया, अब 0 ट्रेलिंग टू लास्ट नॉन जीरो डिजिट, मतलब लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जो 0 होगा, इन अ डेसिमल नंबर, इन अ डेसिमल नंबर आर सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट होते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे कि 1.200 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है, कितना, 4, 4, क्योंकि डेसिमल वाला है, डेसिमल वाला, और नॉन जीरो के बाद में जो 0 है, नॉन जीरो के बाद, ट्रेलिंग मतलब बाद में, ये क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ठीक है। और 0 0 ट्रेलिंग टू लास्ट नॉन जीरो, लास्ट नॉन जीरो इन लास्ट नॉन जीरो डिजिट, लास्ट नॉन जीरो डिजिट, डिजिट इन अ नंबर विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे 1 2 3 0 0 है, इसमें कोई डेसिमल नहीं है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखो। अब अगर हम यूनिट में चेंज करें तो उसे सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंज नहीं आएगा, यूनिट में हम चेंज करें तो सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुछ कंफ्यूजन रह जाता है। देखिए, आपने किसी चीज को, किसी एक ऑब्जेक्ट को मेजर किया, किसी एक ऑब्जेक्ट को मेजर किया, तो मान लेते हैं कि आपने इसको मेजर किया है 2.30 सेंटीमीटर, किसी इंस्ट्रूमेंट से आपने इसको मेजर किया है, 2.30 सेंटीमीटर आपने मेजर किया, तो आप क्या बोलोगे, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 3, फिर देखो ये तो दोनों नॉन जीरो है। अब डेसिमल वाले में 0 जो लास्ट नॉन जीरो के बाद में रहता है, ये भी सिग्निफिकेंट होता है, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब अगर हम इसका यूनिट चेंज करते हैं, अगर हम इसका यूनिट चेंज करते हैं, यूनिट चेंज करते हैं, ठीक है, यूनिट अगर हम इसका चेंज कर रहे हैं, तो क्या सिग्निफिकेंट फिगर चेंज रहेंगे, नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर फिर भी चेंज नहीं होंगे। हम इसका अगर यूनिट चेंज कर देते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि यूनिट से सिग्निफिकेंट फिगर का कोई लेना देना नहीं होता है, यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर तुम अगर इसको मिलीमीटर में लिखते हो, मिलीमीटर में लिखते हो, तो क्या लिखोगे इसको, मिलीमीटर में 2 3.0 मिलीमीटर लिखेंगे इसको, अगर इसको मीटर में लिखते हैं तो 0.230 मीटर लिखेंगे, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 3 होगा, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 3 होगा। मतलब जिससे पहले तुम मेजर किए हो, जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर, यूनिट चेंज होने के कारण सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगा, यूनिट चेंज होने के कारण सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगा, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा, हो सकता है याद रखना, यूनिट चेंज होने के कारण सिग्निफिकेंट, जैसे कि अब 10 का पावर रहेगा, जैसे 2.1 × 10⁵, 2.1 × 10⁵ है, तो यहाँ पे जो 10 का पावर होता है, ये सब इरेलेवेंट होता है, ये कुछ होता नहीं है, ठीक है। ये यूनिट कन्वर्जन के लिए हम लोग इस चीज को लगाते हैं, बाकी
इसको देखो, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, दो है, सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, दो है। ये सब 10 to the power, ये सब जो हम लोग किसके लगाते हैं, यूनिट कन्वर्जन के लगाते हैं, किसके लगाते हैं, यूनिट कन्वर्जन के लगाते हैं। जैसे कि एक मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको कैलकुलेट करके अच्छे से वो करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि देखिए, मैं यहाँ पे लिखा, कोई लेंथ को मैं मेजर किया, कोई एक इंस्ट्रूमेंट से मैंने लेंथ को मेजर किया। ध्यान दीजिएगा, एक लेंथ को मेजर किया, इससे बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। एक लेंथ को मेजर किया है किसी इंस्ट्रूमेंट से हमने, 27.00 मीटर ये हमने मेजर किया। तो हमने मेजर करते के साथ क्या बोल दिया, मेजर करते के साथ, मेजर किया के साथ क्या बोल दिया, सिग्निफिकेंट फिगर कितने है, 4 है, क्योंकि पॉइंट वाला सिस्टम है ना, तो लास्ट नॉन जीरो के बाद भी जो होंगे वो सब सिग्निफिकेंट होगा, सिग्निफिकेंट फिगर। ये मेजर करने के बाद सिग्निफिकेंट फिगर 4 था हमारे, सिग्निफिकेंट फिगर 4 था। लेकिन क्या किए, कुछ लोग आए बोले कि अच्छा इसको मीटर को क्या करो ना, तो मीटर को कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर में, मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो 27 मीटर है ना, तो 2700 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो गया, 2700 सेंटीमीटर हो गया, कितना हो गया, 2700 सेंटीमीटर हो गया। अगर इसको हम सेंटीमीटर में चेंज किए तो ठीक है, कितना हो गया, 2700 सेंटीमीटर हो गया। अब अगर इसको 2700 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 2700 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, बताइए, बताएंगे अगर आप, तो आपको ये तो पता है ना कि नॉन जीरो नंबर है ना, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएंगे। अभी सेंटीमीटर को तुम चेंज कर दो मिलीमीटर में, सेंटीमीटर को चेंज करोगे मिलीमीटर में तो 1 और 0 इतना मिलीमीटर, यहाँ पे भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यहाँ पे भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। आपका एक्चुअल कैलकुलेशन कितना बोला था, एक्चुअल जो रीडिंग थी वो बोले थी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन जैसे ही आपने कन्वर्ट किया मिलीमीटर में तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, मिलीमीटर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, 2 सिग्निफिकेंट। अगर किलोमीटर में इसको चेंज करोगे तो क्या लिखेंगे, 0.027 किलोमीटर, तो किलोमीटर में भी अगर देखोगे तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये सब आपने बाद में कन्वर्ट किया तो ये सब उतना नहीं है, जो पहले रहता है वही सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा, चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये चेंज नहीं होगा, भले तुम यूनिट भी चेंज कर लो चेंज नहीं होगा, जो एक्चुअल आपने निकाला वही सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा। तुम बोलोगे सर फिर अगर दूसरे यूनिट में अगर लिख के दे दिया क्वेश्चन तो कंफ्यूजन हो जाएगा, हाँ बिल्कुल कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए जब भी कन्वर्जन होता है ना, यहाँ पे जब भी आप कन्वर्जन देखेंगे, जब भी इस चीज को कन्वर्ट करेंगे तो इस तरीके से कन्वर्ट नहीं करते हैं, ये तरीका रॉन्ग है कन्वर्ट करने का, इस तरीके से कन्वर्ट नहीं करते हैं। कन्वर्ट हम इस तरह से करते हैं कि कोई सा भी यूनिट रहे सब में सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहे, 4 ही रहे, कोई सा भी यूनिट रहे सब में सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहे, 4 ही रहे। जैसे कि तुमको मीटर को, अगर मान लो तुमको मीटर को किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर है तुम्हारा, इसको इसको किसमें कन्वर्ट करना है, इसको मान लो कि ये है तुम्हारा 2700 मीटर है, ठीक है। कोई सा भी कन्वर्जन हो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए, 4, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4 है, क्योंकि एक्चुअल 4 था। अब इसको मान लो मीटर को तुमने, मीटर को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 2.700 × 10⁻¹ मीटर, 10⁻¹ वाला तो कोई है नहीं, अभी भी देखोगे तो एक जीरो भी तो इधर आया है, पॉइंट इधर आ गया, अभी भी पॉइंट के बाद यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4 है। मैंने बोला था ना 10⁻¹ वाला सिग्निफिकेंट नहीं लेना, तो 2.700 मीटर भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। 2. हम इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 2.700, अब 10 मीटर है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10³ सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी देखोगे तो ये तो इरेलेवेंट हो गया, यहाँ पे अभी भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4 है। तो कन्वर्जन इस तरह से करते हैं, जो तुम्हारा ओरिजिनल है उसी हिसाब से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे तुम किलोमीटर में भी कहते 2.700 × 10⁻²⁪ किलोमीटर, तो यहाँ पे भी अगर तुम देखोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4 है। तो यूनिट के कन्वर्जन से सिग्निफिकेंट फिगर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको भी नोट कर लें, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये आपका।
अब हम सिग्निफिकेंट फिगर में क्या देखते हैं, इसके ऑपरेशंस देखते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि सबसे पहले इसमें कुछ ऑटोमेटिक, अगर मान लो हम लोग मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का रूल देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म। मान लेते हैं कि तुम 3.1 को, 3.1 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3.1 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, 3.12 कर देते हैं, 3.12 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। और 2.1 से इसको मल्टीप्लाई किया, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर कैसा लिखा जाएगा ये आपको बताना है, नंबर कैसा लिखा जाएगा। देखो तो 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 1 2, टू से मल्टीप्लाई करते हो तो 6 2 4, यहाँ पे देखोगे तो 2 5 5 6। अब पॉइंट है यहाँ पे 6.6.6.52, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4 हो गए। लेकिन जो रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, इन दोनों में से जिसका सिग्निफिकेंट फिगर छोटा है, तो सिग्निफिकेंट फिगर किसका छोटा है, 2 2, इसे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए, 2। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इसको हम लोग राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करने के लिए हम लोग रूल पढ़ेंगे, रूल पढ़ के सिग्निफिकेंट फिगर दो में कर देंगे, या तो 6.6 होगा या 6.5 होगा। ठीक है, 6.6 ही होगा ये, इतना हो जाएगा, 6.6 हो जाएगा ये। ठीक है, इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा हम लोग क्या लिखेंगे, 6.6 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में जो दो चीज को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसमें जो छोटा सिग्निफिकेंट फिगर होता है, तो रिजल्ट का भी उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, रिजल्ट का भी उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। ठीक है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, एडिशन में इसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या देखते हैं, अगर दो नंबर को ऐड करें, मान लेते हैं जैसे 2.1 को ऐड कर रहे हैं 2.14 के साथ, तो इसमें क्या देखते हैं कि डेसिमल के बाद कितने प्लेसेज हैं, डेसिमल के बाद कितने प्लेसेज हैं। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो 1 डेसिमल प्लेस, यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस, और यहाँ पे अगर देखते तो 2 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल प्लेस देखते हैं, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, देखो तो ये 4.24 आएगा। तो जो छोटा है वो डेसिमल प्लेस होना चाहिए, जो छोटा है वो डेसिमल प्लेस होना चाहिए। तो छोटा कितना है, 4.2 हो जाएगा राउंड ऑफ करके, तो छोटा है 1 डेसिमल प्लेस, यानी कि पॉइंट के बाद सिर्फ 1 होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले ऐड कर देते हैं, और उसके बाद जो छोटा है उसमें क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के पास रिजल्ट जो है उसमें उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए जो स्मॉलेस्ट नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जब ऐड और सब्ट्रैक्ट किया गया तो जो रिजल्ट है उसका डेसिमल पॉइंट उतना ही होना चाहिए जो जिसका डेसिमल पॉइंट क्या है, छोटा है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक ही रूल होता है, और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में एक ही रूल होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या, राउंडिंग ऑफ का देखते हैं, क्या देखते हैं हम लोग, राउंडिंग ऑफ का देखते हैं। ठीक है, राउंड ऑफ करते हैं, जैसे यहाँ मैंने राउंड ऑफ किया, यहाँ पे मैंने राउंड ऑफ किया, तो राउंडिंग ऑफ के क्या क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ के क्या क्या रूल्स हैं हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, राउंडिंग ऑफ के क्या क्या रूल, तो सबसे पहले तो कुछ आसान आसान है जो आपको पता होगा कि अगर मान लो कि कोई नंबर है, ठीक है, कोई नंबर है वो 5 से कम है या 5 से ज्यादा है, इस बात के भी तो पहले डिस्कशन होता है, वो नंबर 5 से ज्यादा है 5 से कम है तो क्या होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो तुमको करना है 43.244 का राउंड ऑफ, जिसे करना है 43.24 ठीक है, 244 करना है। इसको अगर राउंड ऑफ करना है, मतलब इसका ये वाला डिजिट हटाना है, ये वाला डिजिट हटाना है, इसको राउंड ऑफ करना है, मतलब इसको 2 डेसिमल प्लेस तक करना है, तो 43.2। अब देखो जिसको हटाना है उसको देखो, जिसको हटाना है उसको देखो, अगर ये नंबर लेस देन फाइव है, ठीक है, ये नंबर लेस देन फाइव है अगर, तो जो जैसा है वैसा इसको छोड़ दो, तो 43.24 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो ऐसा रहा 42.248 हुआ, तो अगर ये नंबर मोर देन फाइव है,
अगर ये नंबर मोर देन 5 है तो ये जो है ना, इसका जो प्रीसीडिंग डिजिट है ये एक बढ़ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें प्लस वन हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो 43.25 हो जाएगा। तो जो नंबर है उसको देखने के लिए क्या करो, अगर ये नंबर लेस देन 5 है तो पहले वाला एज इट इज रह जाएगा, एज इट इज रह जाएगा, ठीक है, तो एज इट इज रहेगा इसको हटा दो। अगर ये नंबर ग्रेटर देन 5 है तो जो प्रीसीडिंग है उसमें प्लस वन हो जाएगा, ठीक है, एक बढ़ जाएगा। तो जिसको हटाना है उसको देखना है कि लेस देन 5 है या ग्रेटर देन 5 है, लेस देन 5 है या ग्रेटर देन 5 है, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो ऐसा भी रहा है, जैसे कि 4 3 2 4 8 हुआ, ठीक है, तो 4 8 हुआ, इसको अगर राउंड ऑफ करना है, इसको अगर राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पे देखो 8 है तो 5 से बड़ा, तो एक आगे जाएगा, एक आगे जाएगा, 5 से बड़ा है ना, तो एक आगे जाएगा, ये 5 हो जाता है, 50 48 कितना हो जाएगा, 50 4 3 2 5 0 ये हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा रहा 4 3 2 4 3 रहा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 3 2 ये जो है कितना है, कितना है, 5 से कम है, तो 5 से कम है तो एड इज 4 रह जाएगा, अगर तो 4 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से होते हैं राउंडिंग ऑफ, 5 से ज्यादा या 5 से कम में हम लोग राउंडिंग ऑफ का ये बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, ये बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर जिस नंबर को हटा रहे वो ना तो 5 से ज्यादा है ना तो 5 से कम है, एग्जैक्ट 5 ही है तब क्या होगा, एग्जैक्ट 5 ही है तब क्या होगा, ठीक है, एग्जैक्ट 5 है, ये जो नंबर हटा रहे हैं एग्जैक्ट 5 है। जैसे कि मान लो ऐसा तुम्हारा 2.2.245 इसको हटाना है तुम्हारा, तो 5 हो जाता, 5 से कम रहता है चीज छोड़ दो, इसको हटाना है तो एग्जैक्ट 5, तो एग्जैक्ट अगर 5 है ना, उस 5 को अगर हटाना है, एग्जैक्ट 5 है वो, तो अगर 5 के पहले, अगर 5 के पहले वाले को देखो, अगर इवन है तो चुपचाप 5 को हटा दो, 2.24 हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऑड है, मान लेते हैं ये यहाँ पे ऑड है, ऑड पांच के पहले जिसको हटाना है ये वाला क्या है, ऑड है, तो जब ऑड है ना तो इसमें क्या कर देते हैं, प्लस वन हो जाएगा, यानी कि 2.3 इसमें प्लस वन कर दो तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये राउंडिंग ऑफ का रूल होते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो मैं क्वेश्चन आपको कुछ कुछ दे दूंगा, वो क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा, अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मोशन इन वेक्टर स्टार्ट करेंगे या मोशन इन डायमेंशन स्टार्ट करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर, ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू।